गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा सवाल। इसके पहले हमने पहला सवाल देखा था जिसमें हमने कंपेयर करना सीखा था। यहाँ भी हम 95 और 96 को पहले तो एडजस्ट करेंगे, उसके बाद में कंपेयर। क्या 95 को हम 100 ऋण 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। गुणा 100 ऋण 4, ये इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। ये छानना है कि तुलना x धन a x धन b बराबर x की घात 2 धन a धन b गुणा x धन a गुणा b से कर लेते हैं। लिख लेते हैं यहां से करने पर, ठीक है, तुलना करने पर हमें मिलता है यहां पर 100 जो है वो x के स्थान पर दिख रहा है, अर्थात x बराबर 100, a बराबर, चिन्हों की भी यहां तुलना होगी, धन और ऋण की तुलना करेंगे तो यहां आएगा ऋण, a बराबर 5 और b बराबर ऋण 4। इस प्रकार से हमें ये मान मिले। अब इसे हम इस सरल समीकरण के अंदर रखते हैं। अब सरल समीकरण x धन a x धन b बराबर x की घात 2 धन a धन b गुणा x धन a गुणा b, ठीक है, इसके अंदर मान रखते हैं x के स्थान पर आ जाएगा आपका 100 धन, यहां हम बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि a की वैल्यू किसमें है, ऋण में, तो यहां a का मान एक छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। दो चिन्ह गणित में पास पास में नहीं लिखे जाते हैं, रूल है, कोष्टक बंद, यहां कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा x के स्थान पर वापस हमने लिखा 100 जो पहले लिखा था, फिर धन b के स्थान पर ऋण 4 बराबर x के स्थान पर 100 की घात 2 धन a के स्थान पर आपका आ जाएगा ऋण 5 धन b के स्थान पर ऋण 4 गुणा 100 धन ऋण 5 गुणा ऋण 4। ये सारे मान हमने रख दिए हैं। अब इसके आगे की स्टेप हम ऊपर करेंगे, इतना आप नोट कर लीजिए। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आप इसे शेयर करें, और हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ नहीं समझ में आ रहा है तो इसे आप बार बार देखेंगे, तकरीबन 2 से 3 बार अगर देखेंगे आप तो ये आसानी से समझ में आएगा, इजी है, ठीक है। थोड़ा सा आगे एक स्टेप और कर लेते हैं। इसमें 100 का 100 वैसे आया, धन और ऋण का गुणा करने पर आएगा ऋण, फिर अगले इसमें देखेंगे हम 100 धन और ऋण का गुणा करने पर आएगा ऋण बराबर 100 की घात 2, यहां शून्यों की संख्या कितनी है 2 और घात कितनी है 2, यानी 2 गुणा 2 तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 4, तो सीधा ये हो जाएगा आपका 10,000 धन ऋण 5 तो वैसे ही आएगा, लेकिन यहां धन और ऋण का गुणा होगा तो क्या आएगा ऋण, ऋण 5 और ऋण 4 ये हो जाएगा आपका ऋण 9 गुणा 100 धन ऋण 5 और ऋण 4, ऋण और ऋण का गुणा होगा तो आएगा धन, ये धन और ऋण के चिन्हों का नियम, 4 5 20। इसके बाद हम ऊपर करते हैं, यहां पर ये हो गया आपका 10,000 जो आखिरी स्टेप में आया था, ऋण 9 गुना 100 धन 20, ये आखिरी स्टेप थी, इसे कॉल करते हैं हम।
10,000 धन और ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण 9 का गुणा 100 में करने पर 900 धन 20। यहां पर 20 और 10,000 को हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10,020 ऋण 900। 10,020 में से 900 घटाने पर 9,120, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, नोट कर ले। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।